हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, लास्ट मोमेंट टिप्स देने आया हूं। आई होप 10 से 12 में जो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का आपका पेपर था वो बहुत अच्छा गया होगा। अब आपका जो पेपर बचा है दैट इज लॉ एंड मैथमेटिक्स, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल भी हड़बड़ाइएगा मत। आपको किसी क्वेश्चन में लगेगा कि चारों ऑप्शन भी हो सकते हैं, द ओनली रीजन इज क्योंकि आप उस समय प्रेशर में रहते हैं। तो जहां आपको लग रहा है कि भाई इस क्वेश्चन के तो चारों ऑप्शन सही हैं, उसको स्किप करिए, उसको लास्ट में करिए, क्योंकि अभी आपके पास एक प्रेशर रहता है कि यार इतने सारे क्वेश्चन है, मैं इस पर इतना टाइम डाल रहा हूं, पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, मेरे को तो चारों लग रहा है। तो हड़बड़ा के गलत आंसर टिक मत करिएगा, आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएंगे आपसे। और वो जो आप टाइम सेव करोगे 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड में जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे लॉ का, इतने कम समय में बनाने के बाद लास्ट में बहुत सारा आपके पास टाइम बचेगा। तो जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है, जो थोड़े से बड़े हैं, जो थोड़े से ट्रिकी हैं, जिस पे आपको लग रहा था कि चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, उसको लास्ट में बनाइएगा। और ध्यान देना, कभी कभी एक वर्ड की वजह से नॉट वर्ड लगा देंगे या मे वर्ड लगा देंगे, उसकी वजह से, क्योंकि आप उसको कॉन्शियसली नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आप फोकस्ड होके नहीं पढ़ रहे हो, पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हो, कहीं कहीं अपन ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि नहीं ये तो अपन ने पढ़ा है, इसका तो ऑप्शन ही अपने को याद होगा। ऐसी गलती मत करिएगा, किसी एक वर्ड की वजह से हो सकता है आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कोई आप जो टिक किया वो गलत हो सकता है। आराम से कामली करना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जहां पे भी आपको लग रहा है कि इसके चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, स्किप इट। जहां पे भी आपको लग रहा है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें शायद मैं गलत कर सकता हूं, इसमें मेरे को सोचने का टाइम चाहिए, स्किप इट। बहुत सारे क्वेश्चन आपको 70% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में बना लेंगे, और इतनी जल्दी जो आप बनाओगे इसके लिए अपने को लास्ट में बहुत टाइम सेव होगा, ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आराम से जो बन रहा है फटाफट बना के उसको साइड कर रखो, फिर जो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें अपन ने टाइम सेव करके रखा है अपन उसको बनाएंगे। आपके पास एक एक घंटा रहेगा, 50 MCQ रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। और मैं बताना चाहता हूं आपको, फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन में कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा भी पढ़े हो ना, कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लॉ एंड मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉर्म विशेस ऑफ द टीचर्स देयर। थैंक यू सो मच।